हमने सब कुछ दिया है, अब जान भी देना शुरू कर दिए हैं, तो भाई कब तक ऐसा चलेगा? कहीं तो रुकना चाहिए, बारिश भी होता है तो रुकता है, तो झारखंडी का शोषण भी तो रुकना चाहिए दादा। कंपनी को झुकना पड़ा और सशर्त वार्ता भी हुआ, 7.5 लाख रुपया एक मुफ्त देने की बात हुई, उसके बाद में उसके बेटे को नियोजित। हमारे टीम को यहाँ आना है ना, और आदिवासी एक परिवार का मर्डर हो जाता है, तो हम लोग दौड़े दौड़े आए और जो उचित मुआवजा हुआ हम लोग दिलाने का काम किए, और इसी तरह हम लोग आगे भी एकजुट रह के हम लोग मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। यही हमारा असली पहचान है, झारखंडी का पहचान है। और अभी हम लोग जे बी केसेस पूरा झारखंड में, यही सब की यहाँ का मूल वासी आदिवासी का हितों को ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम दादा थे तो इसीलिए मुआवजा दिला दिए कि भाई हमको यही मरा है आदमी, तो यही मरा है। 7.5 लाख रुपया डन हुआ है, और उसका बेटा को जब 21 साल हो जाएगा, अभी 18 साल है, 21 साल जैसे ही होता है उसको फिर कंपनी पेरोल पर रखा जाएगा। 22 में उसका बेटा को पेरोल में नौकरी देने का वार्ता हुआ और लिखित भी हुआ है, और इस तरह से जो है एगो लिखित हुआ है, कल उनका चेक मिले। बहुत अंदर से तकलीफ लगता है, कोई मजदूर का ऐसा मौत हो जाता है, आपातकालीन स्थिति आता है। इसका घर में मात्र एक लड़का है और एक उनका पत्नी है, जो भी अभी 6 महीना से लगातार बीमार है, और ऐसा मैंने कमर टूट गया है एक लाइन में हम बोले तो, कि आसमान गिर पड़ा इनके परिवार में। आखिरी में प्रबंधक ने झुका, कल तक इनकार कर रहा था, कल बोल रहा था हमारे यहाँ काम नहीं किया, ये आप लोग का बहुत मैंने बहुत अच्छा पहल है दादा एकदम। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लग रहा था कि जैसे उम्मीद का जो किरण है लग रहा था अब कुछ नहीं होगा, जिस तरह से प्रशासन के लोग भी दबाने का प्रयास कर रहे थे, चूंकि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर में जिस तरह से हम लोग बॉडी लेने के लिए जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, चूंकि बॉडी मिलता तो हम लोग यहाँ करके बॉडी के साथ में हम लोग धरना पर। हम लोग के तरफ से मुआवजा की राशि 30 लाख रखी गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधक के द्वारा उसको 7.5 लाख रुपया में डन किया गया, और कंपनी के मृतक के जो आश्रित हैं उनके पुत्र को अस्थाई पेरोल पे, जब वो संवैधानिक मतलब कानूनी एज उनकी हो जाए, चूंकि उनकी उम्र अभी 18 साल है, जब 21 साल के हो जाएंगे तो उनको अस्थाई पेरोल पे कंपनी नौकरी देने की वादा की है। कि उसका कमाने वाला घर में एकलौता बेटा था और एक वही है, वो अब बेघर हो गया। अभी कितना दिया पैसा? 7.5 लाख दिया कि खाली वार्ता किया? नहीं नहीं, वार्ता में हम लोग एग्रीमेंट किए, और जितने भी हम लोग जेबी केसेस के केंद्रीय पदाधिकारी गण थे हमारे परिवार का, सभी लोग ने हम लोग एग्रीमेंट किए, और हम लोग कंपनी का जो भी है वह मोहर भी मरवाए हम लोग, और सारा कोई हम लोग सिग्नेचर भी किए हैं। और इनका एक बेटा है, वो बेटा भी 18 साल का है, लेकिन 18 साल का बेटा जैसे ही 21 साल का हो जाते हैं, इसके बाद यहाँ कंपनी के टू रोल पे यहाँ इसको नौकरी दिया जाएगा। हम लोग का जो झारखंडी है वो लोग खुद समझ नहीं रहा है कि हम लोग को कितना शोषण पड़ रहा है, इसी सब समझने के लिए भी बहुत देर है। अभी अगर मजदूर साथ देता ना तो आज हम लोग इससे साथ बेटर कर पाते। जितना मूलवासी है, आदिवासी, चाहे मांझी है, मुंडा है, चाहे उराव है, कोल है, चाहे कुर्मी है, चाहे तेली है, सुंडी है, कोनो भी है, जे चाहे सिंह भूमियार है, जे गरीब गुरुआ है, हम इन पर खूब अत्याचार करो थीन। हाँ। तो का बोले चाहो कि इनके संदेश दह तो हमच के संदेश यही दहन कि हमें अत्याचार ना सहब, तो इन अत्याचार करबा तो हमें डबल अत्याचार करबा, तो इन एक लात मारबा तो हम 4 लात मारबा, लेकिन मारबो हम। ये आक्रोश है, ये आक्रोश दिख रहा है झारखंडियों का। मैंने हर जगह क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले मांडू जोहर चैनल में हूँ। जोहर मांडू, आपका दादा स्वागत है। जोहर दादा, और आपका भी स्वागत है। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, कंपनी मजदूर हित में बात किया। कल तक लग रहा था कि नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट से बात हुआ, कुछ प्रावधानों को लेकर कंपनी नियमों के तहत बात किया गया, तो लोग झुके भी और माने भी जो डिमांड था हम लोगों का। डिमांड फुलफिल कर दिया एकदम? हाँ, डिमांड फुलफिल कर दिया गया। कल तक कंपनी बोल रही थी कि मेरा एम्प्लॉय है ही नहीं, मेरे लिए वो काम किया ही नहीं है, लेकिन आज वो माना। अगर आज कंपनी प्रावधानों को, कंपनीज एक्ट को, एम्प्लॉयज एक्ट को, है ना, ESI एक्ट को, PF एक्ट के आधार पे, सिक्योरिटी एक्ट के आधार पे जब इस बात को रखा गया, तो भाई आप प्रूफ कीजिए कि आपका एम्प्लॉय नहीं है। पूरा परिजन जान रहा है कि भाई यहाँ का एम्प्लॉय है, और हम लोग भी जान रहे हैं कि यहीं का एम्प्लॉय है, तो आप प्रूफ कीजिए कि यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है। तो वो फेल्योर हो गए, तो बोले कि नहीं आप सही है, एक्सेप्ट किया। हालांकि वो लोग पूरा कोशिश किया था कि ऐसे ही दरकिनार कर दिया जाए,
कुछ भी नहीं किया जाए, लेकिन सबों का प्रयास सफल रहा। और जिन जो चीज़ के लिए हम लोग डिमांड किए कि भाई अगर ऐसा बात है, अगर आपके यहाँ इम्प्लॉई नहीं थे तो आप प्रूफ कीजिए आपका इम्प्लॉई नहीं थे। हम तो आखिरी में कंपनी झुकना पड़ा, कंपनी को झुकना पड़ा और सशर्त वार्ता भी हुआ, 7.5 लाख रुपया एक मुफ्त देने की बात हुई। उसके बाद में उसके बेटे को नियोजन है ना कंपनी पेरोल पे, जब भी जिस टाइम पे भी आएगा उसको कंपनी पेरोल पे कंपनी रख लेगी। अगर वो अनस्किल्ड भी होगा तो उसको स्किल्ड लेबर का हम सैलरी पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का पहल बहुत सक्रिय मने रहता है, पॉजिटिविटी। एक और दादा यहाँ है, थोड़ा इनसे भी मुलाकात करते हैं। आखिर इन्होंने गोला से दौड़ के मने इतना क्या आपात विपात काल ऐसा हो जाता है, पूरे झारखंड में नहीं पूरे रामगढ़ जिला में एकदम पड़ा हुआ सब झारखंडियों को मार रहा है, क्या बात है? देखिए सबसे पहले जोहार, आपके सभी दर्शकों का भी जोहार। देखिए जब बात टीम भावना की होती है तो हम लोग जहाँ भी रहें, चाहे दुलमी में रहे चाहे गोला में रहे, क्योंकि जब कैसे इस जो मैंने आंदोलन यहाँ पे था मुआवजा है तो जो पीड़ित परिवार का था, जब कैसे लीड कर रही थी तो कहीं कहीं जब कैसे के जितने भी साथी हैं एक आह्वान पे सब जमा हुए हैं, हम भी एक सिपाही के नाते अपना यहाँ भागीदारी सुनिश्चित किए हैं और कहीं कहीं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के लिए जो साथी लोग नेतृत्व किए हैं कहीं कहीं उनकी बातों को मैनेजमेंट मानी और आज पीड़ित परिवार को जो भी उसका उचित मुआवजा है देने का सब कंपनी काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो भी फैक्ट्रियाँ संचालित होती है या रामगढ़ है या पूरे झारखंड में हो, अगर किन्हीं के पास किसी प्रकार का कोई आपत्ति विपत्ति होता है तो हमेशा जब कैसे माने एकदम एट ए टाइम खड़ा रहती है और सब सभी को मुआवजा दिलाने का काम करती है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि टीम एकजुटता को सबसे पहले धन्यवाद और सभी साथियों को धन्यवाद इस उचित पहल के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, ऐसे जारी रखिए कंटिन्यू, आप लोग जीत सुनिश्चित होगा पूरा काशियो विधानसभा में। एक और दादाजी हैं यहाँ पे, थोड़ा अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे कि क्या कैसा सफल रहा। सर मांडू चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। मेरा नाम संतोष चौधरी हुआ, गोला से हम लोग आए हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला कि हमारे टीम को यहाँ आना है ना, और आदिवासी एक परिवार का मर्डर हो जाता है, तो हम लोग दौड़े दौड़े आए और जो उचित मुआवजा हुआ हम लोग दिलाने का काम किए। और इसी तरह हम लोग आगे भी एकजुट रह के हम लोग मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। यही हमारा असली पहचान है, झारखंडी का पहचान है। और अभी हम लोग जे भी केसेस पूरा झारखंड में, यही सब की यहाँ का मूलवासी आदिवासी का हितों को ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा पहल जारी रखिए, पूरे झारखंड में यह मैसेज जाएगा कि अब जे बी केसेस पूरे क्षेत्र में दौड़ जाएगा, कहीं भी कोई भी जे बी केसेस के सिपाही आवे। एक और दादा है यहाँ पे, सक्रिय रहते हैं, पूरे झारखंड में दौड़ते हैं, इनका परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने इस पहल को बहुत ही बखूबी उठाया है। इनका नाम बिहारी दा है, थोड़ा इनको जोहार मांडू चैनल में स्वागत करते हैं। जोहार दादा, आपका चैनल को भी जोहार, आपके व्यूअर्स को भी जोहार। दादा कैसा मने सबसे पहले आप आए थे यार, मने हॉट टॉक हुआ था, क्या बात हुआ था? हॉट टॉक नहीं हो रहा था, क्या बोलते हैं, वो 3-9 बतिया रहा था, तो भाई इतना भी झारखंडी कमजोर नहीं है कि उसको जवाब ना दे सके, तो जवाब के रूप में उसको हम दिए थे। तो होना चाहिए, हर झारखंडी को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिस स्तर से हो उस स्तर में जवाब मिलना चाहिए उसको। मैंने यही जारी रहना चाहिए, एकदम जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ दिया है, अब जान भी देना शुरू कर दिए हैं तो भाई कब तक ऐसा चलेगा, कहीं तो रुकना चाहिए। बारिश भी होता तो रुकता है, तो झारखंडी का शोषण भी तो रुकना चाहिए दादा। शोषण तो करते आया जी, गुलामी समय से अभी तक शोषण चल रहा, हम लोग कितना झेलेंगे? नहीं नहीं, आप बर्दाश्त नहीं होगा, आप झारखंडी जागा है, टाइगर के विचारों से जाग रहा है। लोग हमारे जो सब सक्रिय सदस्य हैं जगा रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर जगा रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है, और जागेंगे। इसका देख लिए आप लोकसभा चुनाव में नतीजा देख लिए, बिना पैसे का जो 9 लाख वोटर जे बी केसेस में ज्वाइन हुए हैं, 9 लाख लोग जुड़े हैं उसके विचारों से जुड़े हैं। जे बी केसेस ने हार के भी इतना बड़ा पहल करता है कि पूरे जहां भी मजदूर का मौत होता है या कहीं आपातकाल विपातकाल होता है, सबसे पहले खड़ा होने वाला जे बी केसेस के कार्यकर्ता होते हैं, लीडर होते हैं, और उसका मैंने केंद्र के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उन लोग आते हैं। और कुछ दादा बोलना चाह रहे हैं? जैसे है ना दादा कि हम लोग
लोग बोलते हैं कि इसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है, वो स्टेट के लोगों को विरोध करता है, यूपी बिहार बंगाल महाराष्ट्र का विरोध करता है। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग अपना हक अधिकार पाने के लिए अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लोग सोचते हैं कि हमारा विरोध कर रहा है, उन भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका विरोध नहीं है। यदि हम लोग मजदूर के साथ खड़ा है और मजदूर जिस तरह का हमें न्योता देगा, यदि मदद के लिए गुहार करेगा जेबी केसेस, तो जेबी केसेस ये नहीं देखेगा कि 11 बज रहा है रात या दिन का 2 बज रहा है या 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, उसके लिए वो खड़ा रहेगा, सबसे आगे खड़ा रहेगा, परिवार से आगे खड़ा रहेगा जेबी केसेस के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही जारी रखिए, निश्चित जीत सुनिश्चित होगा, पूरे झारखंड में जीतिएगा। अब थोड़ा सा मैं केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष लीलावती दी से पहले मैं थोड़ा चाहता हूँ कि उनका परिजन से मिले और आखिरी वाइंड अप करेंगे इन दोनों दीदी के साथ में, तो इनका परिजन लोग से हेलो आइए। का हलो मैंने का समझ में लोन यहाँ आएला तो कुछ कमा हलन तो चल गलन तो कंपनिया वाला ऐसने कर कर के सबके झारखंडी को मार रहा तो एक बोल चाहो बोला ना कर हम इनका भी नौकरी में रखे ही नहीं कि लेबर गिरी रखे 200-400 रुपया दे और फिर 4 दिन में भगाए दे, ये सब हमें नहीं माना। ये भाई तो ही हम हमारे बाप के राज में बैठा ले तो हमरो तो राज कर देना चाहिए ने, हम तोर तोर नौकरे बन बन रहो का तो के कुछ बोलबा। हाँ जयराम दादा के भी तो जोहर करे हैं, वो हम इनके पीछे लगा लाती तो हम कहे ना ओकरा आगे बढ़ाइए। मुआवजा दिया वही और जयरामे मातो के दादा हम इनके उठेबिन, आखिर हम यहाँ नौकर कहल बन कर आवे। जयराम दादा अगर सरकार बनाबिन तो हम इनक तो सरकार बनते ने। हम इन जितना मूलवासी है, आदिवासी चाहे मांझी है, मुंडा है, चाहे उराव है, कोल है, चाहे कुर्मी है, चाहे तेली है, सुंडी है, कोनो भी है, जे चाहे सिंह भूमियार है, जे गरीब गुरुआ है, हम इन पर खूब अत्याचार करो थीन। हाँ। तो का बोले चाहो कि इनके संदेश दह तो हमच के संदेश यही दहन कि हमें अत्याचार ना सहब, तो अत्याचार करवा तो हमें डबल अत्याचार करवा, तो एक लात मारवा तो हम 4 लात मारवा, लेकिन मारबो हम। ये आक्रोश है, ये आक्रोश दिख रहा है झारखंडियों का, कहे कि पूरे झारखंड में मेरा बाप का राज में बैठा हुआ, हम उसका राज में नहीं गए हैं बैठने के लिए, हम क्यों उसका बर्दाश्त सहेंगे, मार कहे सहेंगे उसका हम। और इन्हीं का परिजन है, थोड़ा इनसे भी रूबरू होते हैं, कल से इन्होंने इन सारे महिलाओं ने कल से यहाँ पे आंदोलनरत है, तो कैसा पहल मने कुछ पहल में अच्छा लग लो उनकी मने हम लोग को अच्छा लगा, जो भी हुआ हम लोग को सब अच्छा लगा। जयराम दादा महतो के कंपनियां जे हलोन बोलो हलोन की ना हुआ जाए के मर गए तो आखिर में झुकलो नहीं मरा। हाँ, हम लोग तो सोच रहे यही मरा हुआ है, नहीं हम लोग को तो बोल दिया कि बाहर मरा हुआ, लेकिन मगर हम लोग तो नहीं है मुआवजा दिया हमको, नहीं तो फालतू थोड़ी ना मरा था साइड में, तू मुआवजा देता नहीं देता, लेकिन जयराम दादा थे तो इसीलिए मुआवजा दिला दिए कि भाई हमको यही मरा है आदमी तो यही मरा यहाँ मारल हलो, लेकिन हुआ लेके डाल दे हलो। हाँ, यही मरल था मगर हम देखलिए ने, हम जान देखलिए ने के अथी ओकर माने वाइफ कौन हथिन पत्नी मेंटली प्रॉब्लम है जिसके कारण से। अच्छा वाइंड अप करने से पहले मैं यहाँ पे केंद्र महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष लीलावती दी हैं, जिन्होंने की कहीं भी सुनती हैं या मैसेज जाता है तो 24/7 आवर इनका मौजूदगी रहता है, तो मैं सबसे पहले और ये गुड़ी मातो जी हैं और रामगढ़ के रामगढ़ इनका घर है लेकिन केंद्र सचिव हैं जेबी केसेस के, दोनों को मैं मांडू जोहार मांडू चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दीदी सबसे पहले इधर लीलावती दी से कि क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से जोहार। आज जो मृतक का मैंने आप लोग दो 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 दिन से दिन रात करके इस पर लड़े तो क्या मैंने सफल वार्ता हुआ कि विफल वार्ता हुआ। देखिए जहाँ तक अभी तो हम लोग सफल वार्ता ही कर सकते हैं, काहे कि मेरे पास वैसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं था, फिर भी यहाँ का प्रबंधन अच्छा रिस्पांस दिए हैं और सफल वार्ता हुई है। जो सफल वार्ता में दिए हैं कि 7.5 लाख रुपया इन्होंने बात रखे हैं कि अपने तरफ से 7.5 लाख रुपया हम देंगे और इनका एक बेटा है, वो बेटा भी 18 साल का है, लेकिन 18 साल का बेटा जैसे ही 21 साल का हो जाते हैं इसके बाद यहाँ कंपनी के टू रोल पे यहाँ इसको नौकरी दिया जाएगा। अच्छा कंपनी के पेरोल पर नौकरी दिया जाएगा। आए दिन इस तरह रामगढ़ में कुछ और मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा मैं उन लोग से कैमरामैन को थोड़ा वाइंड अप करने से पहले उन लोग से मिलना चाहता हूँ, थोड़ा बोलिएगा कुछ एक मिनट ना। ठीक है आप यहाँ काम करते थे ना,
नहीं काम करते थे। चलिए अच्छा वही कंटिन्यू। इतना खौफ है कि कंपनी में काम करने वाला आदमी बोलने से डर रहा, कल उसके साथ क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो भैया हम लोग का झारखंड अभी पीछे पड़ गया है, पीछे हो गया है। हम लोग का जो झारखंडी है वो लोग खुद समझ नहीं रहा है कि हम लोग को कितना शोषण पड़ रहा है। इसी सब समझने के लिए भी बहुत देर है। अभी अगर मजदूर साथ देता ना तो आज हम लोग इससे साथ बेटर कर पाते, लेकिन मजदूर ने साथ देने के कारण हम लोग अभी 7.5 लाख में ही हम लोग अटक गए। मजदूर से मैंने बात करने का कोशिश किया, उन लोग डर से नहीं बोलना चाह रहा है कि कल होके हमको नहीं कहे ऐसे कर दे, ये डर उसका भी रोजी रोटी इसलिए। अरे ये तो कंपनी का ही नियम है कि आज तोरा किया कल उसका करेगा। हमारे झारखंडियों में यही डर है भैया कि हम लोग कोई किसी तरह का कुछ कर ना दे, मेरा जो रोजी रोटी है कुछ छीन ना ले, यही डर से अभी आगे नहीं आ रहे हैं। बहुत ऐसा झारखंडी लोग हैं। टाइगर जी तो डर निकाल दिया है जी, मरना सबको एक दिन है तो डरना क्या है, काम करना है, हक हुकुम के लिए काम करना है। लीलावती दी से थोड़ा लेते हैं। देखिए यहाँ डरता इसलिए है कि यहाँ का जो कंपनी खास करके झारखंड में जो भी कंपनी है जो भी फैक्ट्री है इन लोग डरा के ही रखा है कि अगर आप मेरा खिलाफ जाते हैं तो आपको यहाँ नौकरी से निकाल देंगे। यही धमकी देने के चलते उन लोग कुछ मीडिया में बोल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ डरा डरा के रखे हैं। तो अब लोगों को, अब मजदूरों को ये जागना पड़ेगा कि मेरे साथ अगर जो अन्याय हो रहा है उसका हम खिलाफ जाएं, उसका हम विरोध करें तो जरूर उनका न्याय मिलेगा। लेकिन इन लोग समझता ही नहीं है। तो अब कम से कम जयराम दादा जो इतना जगा रहे हैं तो अब तो इन लोग को जागना चाहिए कि जो कंपनी या फैक्ट्री जो हम लोग को रख रहे हो या धमकी दे के अगर हटाने का बात कर रहे हैं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना मजदूर है सब मजदूर अगर एकता दिखा देंगे तो फैक्ट्री वाला को जानते हैं हुड़का जाम हो जाएगा। इसीलिए हम तो यही बोलते हैं मजदूर भाइयों से, हम यही निवेदन करते हैं कि इस तरह आप लोग एकता बना के रखिए और जो भी अगर आपके यहाँ फैक्ट्री के अंदर जो भी समस्या होता है वो समस्या को बाहर में रखे, तब तो बाहर का लोग जानेगा कि यहाँ इस फैक्ट्री में क्या समस्या हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि वो आया मतलब इनका गुलाम रह गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन लोग अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर फैक्ट्री में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि अपना हक अधिकार के लिए जरूर लड़िए। जे बी केसेस का यही बहुत बड़ा पहल है कि हर लोग को जगा रहे हैं और हर लोग को ये कहते हैं कि डरिए नहीं, काम करिए, कहीं भी करिए और शान से करिए। और यहाँ पे कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मांडू अंतर्गत वन भूमि पर संचालित अवैध बंदोबस्ती है, ये बंदोबस्ती अवैध किया हुआ है, जिसको कि डीसी यहाँ रामगढ़ के डीसी रह चुके चंदन कुमार जी जो थे इसको अवैध घोषित किया था। वन ये जो जितना प्लांट चल रहा है ये अवैध है, इसका पेपर में भी आया हुआ था और इसका जो है थाना संख्या 146 है 146, तमाम दर्शक देख लें। इसमें नाम भी है ग्लोबल स्टील फैक्ट्री एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, खाता नंबर 29/85, प्लॉट नंबर 325, रकवा इसका 2 एकड़ है, किस्म गर्मजरुआ खास है। इसके बाद वो इन लोग प्लांट बनाया और इसको डीसी ने सख्त निर्देशित किया और इसको मैंने अवैध घोषित करा है और साथ साथ में इन्हें कहा गया है कि जितना ये प्लांट चल रहा अवैध इसको खाली करा जाए। मैं इसके माध्यम से डीसी रामगढ़ चंदन कुमार जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे इलीगल जितना प्लांट चला रहा है इन लोग पर एक्शन ले रहे हैं और इन पर जो एक्शन लिए थे यहां के जो भी सक्रिय सदस्य थे और इस पर फौरन एक्शन करवाएं और इसको रद्द करवाएं। आखिरी में मैं लीलावती दी से ये संदेश लेना चाहता हूँ कि आप लोग का पार्टी बहुत ही मजबूती से कहीं भी हक हुकुम के लिए आता है, तो क्या बोलना चाहते हैं मजदूरों को और शोषित वंचित लोगों को कि कैसे एकजुटता हो, सब बिखराव पड़ा हुआ है झारखंड में। देखिए जो भी यहाँ बिखराव पड़ा हुआ है हम तो यही कहते हैं मजदूरों को या फिर अन्य लोगों से, हम यही कहते हैं कि सब एकता का परिचय दें। झारखंड का अगर बदलाव चाहते हैं, झारखंड में विकास चाहते हैं, अपना हक अधिकार के लिए चाहते हैं तो सब एकता हो जाए। कहे कि आप जान रहे हैं कि एक मजदूर का ही अगर बात होता है तो मजदूरों में ही एकता नहीं है, तो अगर मजदूर एकता हो जाते हैं और जो कंपनी वाला डरा के रखते हैं वो डरा नहीं पाएंगे, इसीलिए एकता की जरूरत है यहाँ। बहुत धन्यवाद आपको। और बगल में ही है को कुछ कहना चाहेंगे ऐसे ऐसे कंपनियों, लास्ट वाइंड अप करेंगे। मांडू विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं और इन्होंने पार्टी को सींचा है और रग रग से सींचा है, चाहे वो पैसा के माध्यम से हो या किन्हीं महिलाओं को लाने के हो या भाड़ा देने को या गाड़ी में आदमी को लेगना हो या भोजन कराना हो पानी पिलाना हो, इन्होंने सींचा है पार्टी को, इसलिए लोगों को जानना चाहिए। और मैं जोहार मांडू चैनल में दादा इनका भी स्वागत करते हैं। जोहार मांडू में आपका भी स्वागत है दादा।
फैक्ट्री प्रबंधक लोग सब हम लोग झारखंडी को ऐसा ही कर रहा है, क्या बात है? यहाँ झारखंडी में आपसी मतभेद है जिसका कारण फैक्ट्री प्रबंधक ये सब कर रहा है। जो यहाँ फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाता है उसका यही हाल होता है। सुने दादा, किसका माँ बाप भी वहीं जाके मरा, ऐसा कुछ यही काम करता था वैसा ही कर दिया? ये अब देखिए, हम इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जब बोल रहा है तो सही बात बोलता होगा। कोई भी जानकारी अफवाह नहीं उड़ती है, लेकिन सही बात होगा। तो ये प्लांट मैंने कैसे इलीगल पूरा प्लांट चल रहा दादा, तो मैंने इस पर क्या पहल करिएगा आप लोग? हम लोग ये पूरा इसको डीसी जगह आवेदन देंगे, जितना भी फैक्ट्री है सबका जांच हो और उसके बाद इस पर कार्रवाई हो। अगर जे बी के एस एस का सरकार बनी या यहाँ का विधायक बना तो हम यही कार्रवाई करेंगे कि यहाँ जितना भी अवैध है उसको बंद किया जाए, या तो बंद नहीं होता है तो जितना भी असुविधा है यहाँ श्रमिक मजदूरों का मैंने काम करने में वो सब सुविधा दिया जाए, तब यहाँ कोलवरी मैंने क्या बोलते फैक्ट्री चालू होगा। इनका साफ संकेत है कि इलीगल फैक्ट्री बंद होगा, जेपी के एसएस का आने दीजिए। और तमाम जनता को मैं यही चाहता हूँ कि सब झारखंडी एक हो जाइए और ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसने के लिए झारखंडी एक होना अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाला दिन में आज उनका हुआ कल और किन्हीं झारखंडी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। बोलना चाह रहे हैं मैंने यहाँ के मजदूरी के बारे में, मजदूरी क्या दादा क्या है यहाँ की मजदूरी, सही दे रहा है मजदूरी? मजदूरी भी यहाँ का मैं लगभग यहाँ 250 रुपया देता है पर डे, जो यहाँ की मैंने बगल फैक्ट्री में वही हमारे यहाँ टाटा कंपनी है वहाँ 600 रुपया देता है पर डे 8 घंटा में, यहाँ 12 घंटा खटाता है उसके बाद भी यहाँ वही 300 लगभग देता है। तो मजदूरी में कभी कम यहाँ दिया गया है। उसके बाद बोलते हैं मुआवजा, मुआवजा में हम बोलते हैं नए मामा में काना मामा कहावत है, वही हुआ है जो 7.5 लाख मिला। मान लीजिए यहाँ कोई पार्टी जहाँ सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसका एक विधायक और एक सांसद नहीं था, फिर भी जब भी किसे सपोर्ट करके 7.5 लाख मुआवजा दिया है तो ये बड़ी सराहनीय है, इसलिए हम जे बी के एस एस का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मिलना चाहिए मुआवजा। जे बी के एस एस के तमाम कार्यकर्ताओं को इन्होंने धन्यवाद दिया है दिल से कि एक आवाज़ में, एक आह्वान में मजदूर के लिए आप बैठते हैं, आ खड़ा होते हैं। इसलिए दादा आप लोग के मने बहुत बेहतरीन है। और एक और दादाजी हैं जो कि पूरे झारखंड में इनका मने चेहरा से मोहताज नहीं है, और इन्होंने कहीं भी हक हुकूम और मजदूर का शोषण अत्याचार होता है तो यही शख्स हैं कि पूरे दिखते हैं हर जगह, चाहे जिस प्रकार से हो। तो मैं इनसे भी रूबरू होता हूं। जोहार मांडू चैनल में दादा आप मैंने विनोद आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपको भी, स्वागत है दादा। और हम लोग आज सफल वार्ता की ओर पहुंचे हैं, कल से हम लोग आंदोलनरत थे, आज सफल वार्ता हो चुका है और हम लोग यहाँ से अब सदर अस्पताल की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम हेलमेट भी लगा चुके हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। हमने दर्शकों को, तमाम दर्शकों को यह बोला था कि जहाँ विनोद खड़ा होते हैं मुआवजा मिलना तय होता है, और ये सफल आज हुआ, आज दिखा। दर्शक इसको देखेंगे और वॉच करेंगे कि जो हम बोले वो सही बोले। इनका चेहरा ही काफी है पूरे झारखंड में मैंने इसको दिलाने के लिए। दादा अगला पहल क्या रहेगा अगर नहीं करा तो? देखिए हो चुका है, अब लिखा पढ़ी भी हो चुका है, ठीक है, मोहर वोहर सब लगा चुका है, कंपनी सारा दस्तखत कर चुका है, इसमें अब भागने का कोई ये नहीं बचा है, ठीक है। कंपनी अब झुटला नहीं सकती है, वो कंपनी देगी, एकदम 100% देगी। 7.5 लाख रुपया डन हुआ है और उसका बेटा को जब 21 साल हो जाएगा, अभी 18 साल है, 21 साल जैसे ही होता है उसको फिर कंपनी पेरोल पर रखा जाएगा, ये कंपनी की तरफ से लिखा गया है। अब कल बोला है कि कल आकर के पैसा ले जाइएगा। देखिए कल नहीं हो सकता है कि हम लोग दाह संस्कार में एक दिन विलम्ब हो सकता है, तो परसों आएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे कर्मठता रहे, जारी रहे। और अभी एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ऐसे कंपनियां जो इस तरह का आए दिन घटना हो रहा है, वैसा घटना ना हो, सेफ्टी दे मजदूरों को। और यदि इस तरह का घटना होते रहेगा तो हम लोग बार बार आते रहेंगे और अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब ऐसा मौका मिला हम लोगों को तो कंपनी भी कंपनी को हम लोग इस तरह से नहीं मानेंगे, मतलब इतना कम राशि में नहीं मानेंगे। और ये टाइगर के विचारधारा से हम लोग हैं, और टाइगर की ओर से एक और संदेश देना चाहेंगे पूरे झारखंड के वासियों को कि हम लोग एकजुट हो जाइए। पूरा झारखंड ये मांग कर रहा है कि हम लोग बदलाव करें, एक नया झारखंड का निर्माण करें। यदि आज हम लोग नहीं जागे तो पिछला और कितना दिन हम लोग, कितना 50 साल पीछे चला जाएंगे यदि आज हम लोग नहीं जागेंगे। तो कोई ऐसा शख्स मिला है हम लोग को जगाने के लिए,
इसका साथ देने का जरूरत है। और जहां भी होता है देख सकते हैं आप लोग, मजदूरों के साथ जयराम महतो ये खड़ा हो रहे हैं, उसका सेना लोग खड़े हो रहे हैं। दूसरा पार्टी के लोग तो मग्न है, वोट लेता है मग्न हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। मजदूर मरे, झारखंडी मरे मिटे, कोई मतलब नहीं है। और आता भी है तो सेटिंग करता है, अगर 10 लाख बात हुआ तो 5 लाख खा गया और 5 लाख देगा, इस तरह का घटना है। दादा एगो कल ही वहाँ डीबीसी में वहाँ गोला क्षेत्र में घटना हुआ था, जिसको कि कोई अदर पार्टी ने हाइजेक कर लिया और उसके बारे में भी बताते हैं। वहाँ पर आईपीएल फैक्ट्री का गाड़ी था, रोड में एक्सीडेंट होता है, उसी का गाड़ी उसी के गेट के सामने रोड एक्सीडेंट होता है। और वो आदमी प्रकाश चौधरी का आदमी था, जैसा कि पता चला है कि सूचना के आधार पर सीपीसी कॉलेज में पढ़ाता भी था वो। और जब जेबी केसेस को पता चला, जेबी केसेस के आदमी पहुंचा भी, लेकिन वहां जब उनके वगैरह राशि दिला सके, आपके हक का बात कर सके, लेकिन वो आवेदन देने से मना कर दिया, क्योंकि वो प्रकाश चौधरी का आदमी था, वो आजसू पार्टी का आदमी था। वो आजसू के साथ, आजसू से डर लगा उसको कि हम अगर यदि आजसू के खिलाफ जाते हैं तो हमारे ऊपर आजसू कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो आवेदन देने से मना किया। यदि जेबी केसेस को आवेदन मिल जाता तो एकदम उचित कार्रवाई को होता और एकदम उचित पहल भी होता और अच्छा खासा उसको मुआवजा राशि हम लोग दिलाते भी। दादा कुछ पहल हुआ वहाँ की ऐसे चला गया? कुछ नहीं पहल हुआ, हम लोग छोड़ दिए तो पहल होगा, कुछ नहीं पहल हुआ। लास्ट में हमको लगता है कि 150-10-20 करके निकाल दिया होगा, इस तरह खुलासा। यही जेबी केसेस का है टारगेट, माने जहां इनका मिलता है वो हक हुकुम दिलाते हैं, बाकी लोग सब सेटिंग करके खत्म करता है। तो इस दादा एक और आपसे माने बहुत बेहतरीन सवाल मैं लेना चाह रहा हूं कि जो शोषित है वंचित है और आपसे जुड़ना चाहे और माने अगर किसी समस्या में वो पड़ा है तो उसको आपके पार्टी में समस्या देने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा क्राइटेरिया बता दीजिए। देखिए किसी को भी अगर यदि किसी भी तरह का मुसीबत है तो जब तक वो हमको बोलेगा नहीं हम जानेंगे कैसे, और यदि बिना बताए अगर हम उसका पहल भी करते हैं तो बीच में फिर इस तरह का मतलब अति करता है, जैसे अपना चेंज कर लेता है बात कर को। हम लोग जब पहल करने लगते हैं तो चेंज कर लेता है बात को, तो ऐसे में हम लोग जब तक आवेदन जब तक नहीं देता है, जब भी केसेस के नाम पर एक आवेदन चिट्ठी नहीं देगा तब तक हम लोग पहल अब नहीं करने वाले हैं। काहे कि एक हम लोग पहल करने गए तो इसी तरह बीच में वार्ता होने लगा, लास्ट में वो इधर उधर करके दूसरा पार्टी के साथ पार्टी का आदमी आया, उसके साथ तालमेल कर लिया और उसका नाम उजागर कर दिया, जबकि हम लोग वहाँ सारा पहल किए थे। तो अब ऐसे हम लोग बिना आवेदन का हम लोग काम नहीं करेंगे। इस तरह का पूरे झारखंड के लोगों को हम लोग एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर यदि किसी भी तरह का आपके साथ मुसीबत होता है कि जे भी केसेस को आवेदन दीजिए, हम लोग दिन रात 24 घंटा खड़ा रहेंगे आपके साथ। पूरे झारखंड के वासियों को ये संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं को हक हुकुम नहीं मिल रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इनका कहना है कि जेबी केसेस में लिखित आवेदन दे विथ साइन और इनका मने समस्या का समाधान होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद जॉर्ज।